अस्सलाम वालेकुम, मैं सलमान हसन, मैं हूं प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट एंड हेयर स्टाइलिस्ट। और आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वही मेहंदी ब्राइड जिनका हमने कल आपके साथ मेकअप शेयर किया था, उनके हेयर डू की जो टेक्निक है हम आपके साथ वो शेयर करने जा रहे हैं। ओके, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैं जितने भी हेयर डू करता हूँ उनमें जो बैककॉम करता हूँ मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग में जो पार्ट है थोड़ा लेंथी दिखता था, ताकि आपको प्रॉपरली जो है वो समझ में आ जाए कि बैककॉम मैंने किस तरीके से किया, जिसमें आपको टीजिंग भी बहुत ज़्यादा नहीं करनी पड़ती और आपको एक परफेक्ट जो है वॉल्यूम जो है शेप ऑफ जो है मिल भी जाता है, ठीक है। लेकिन मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते, इसलिए मैंने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके थोड़ा सा स्किप करके इस बैक होम को वाला जो पार्ट है उसको दिखाया था। अगर आप लोग इसको प्रॉपरली देखना चाहते हो आप प्रीवियस ट्यूटोरियल जो है उनको जाकर देख सकते हो और आपको उसमें भी बेतहाशा चीज़ें सीखने को मिल सकती हैं, ठीक है। अब आप बैक होम वाला जो टेक्निक है वो मैंने आपके साथ शेयर की है, इस तरीके से हम लोग एक रबर बैंड डाल के उसको थोड़ा सा फ्रंट वाली साइड पर बेंड करके पैरेलल पिंस लगाते हैं, उन पिंस के ऊपर जो हम लोग स्टफिंग रख के एक प्रॉपर परफेक्ट एक बम्प बनाते हैं, और उसके बाद हम लोग बैक फ्रंट वाली साइड से बारीक बारीक सेक्शन लेके उसमें टीजिंग करके सिर्फ और सिर्फ आपने टीजिंग जो है वो रूट्स में करनी है, और उसको बैक वाले सेक्शन के साथ मर्ज करके आप इवनली जो है एक परफेक्ट शेप देते हुए अपनी बैक होम को कंप्लीट करते हो। अभी आप फ्रंट पे फ्रंट से जो है लुक देख सकते हो कि कितना परफेक्ट जो है आपको वो लुक बैकअप की जो मिल गई, क्योंकि आपको पता है बैकअप जो हम लोग क्राउन के ऊपर करते हैं वो ब्राइडल के दुपट्टा सेटिंग के लिए भी हम लोग करते हैं, क्योंकि जो ब्राइडल के दुपट्टे थोड़े हैवी होते हैं, अगर आप बैकअप नहीं करो तो उनकी पूरी की पूरी मेकअप की जो लुक है वो बहुत ज़्यादा फ्लैट जाती है और बड़ी स्पॉइल हो जाती है वो लुक, ठीक है। उस वजह से हम लोग बैकअप करते हैं। बैकअप जो है वो आप लोग देख सकते हो कि कितनी नीट बैकअप हुई है और कितनी खूबसूरत परफेक्ट शेप के साथ हमें मिली है। ओके, उसके बाद फ्रंट के ऊपर जो हम लोग सेंटर पार्टिंग करने के बाद अब जो मैं सेक्शनिंग करूँगा ना फ्रंट की, ये आप लोग के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा देखने के लिए इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से आपने जो है एक सेक्शन लेना है, उसको सेपरेट करके आपने सेक्शन क्लिप की हेल्प के साथ उसको सेपरेट करके होल्ड करवा देना है, ठीक है, ताकि आपका जो ये वाला सेक्शन है वो आपकी ब्रेडिंग के अंदर ना आए। उसके बाद बैक पे वाले जो हमारा एरिया था उसको हमने दो हिस्से में डिवाइड करके और फ्रंट से जो दूसरा हिस्सा है उसका एक पार्ट छोड़ना है, जैसे कि अभी आप लोग देख सकते हो, और जो सेक्शन है मेरे हाथ में उसमें हम लोग अच्छे तरीके से जो है टीजिंग करेंगे। टीजिंग आपने कितनी करनी है, जितना आपको वॉल्यूम चाहिए या जितनी आपको थोड़ी मेसी टाइप कह लो या थोड़ी सी फूली हुई कह लो आसान अल्फाज में ब्रेड चाहिए, जितना वॉल्यूम आपको अपनी ब्रेड में चाहिए आप उस हिसाब से जो है अपनी वो कर सकते हो, आपको बैकअप कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट में अगर आपको वो है तो आप उसको थोड़ा सा अपोजिट डायरेक्शन में ले जाके रूट्स के अंदर टीजिंग करके भी आप छोड़ोगे तो भी आप लोग देखना कि कितना मज़ेदार वहाँ पे वॉल्यूम आपको मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद आपने टेलकॉम की हेल्प के साथ अपनी बैकअप को जो है नीट करना, ठीक है, क्योंकि हेयर स्टाइल को जो है आपका फिनिशिंग देने के लिए आप उसको स्प्रे यूज़ करके अपनी बैकअप को नीट करोगे। अब फ्रंट पर जो मैंने इसी सेक्शन का फ्रंट वाला एरिया थोड़ा सा छोड़ा था उसके अंदर हम लोग जो है फ्रेंच ब्रेड करेंगे, और जो फ्रंट पे मैंने सेक्शन छोड़ा उसी के अंदर से मैं इनके अंदर जो है बाल ऐड कर ही जाऊँगा, ठीक है। ऑल्दो जो फ्रेंच मैं करूँगा वो बहुत ज़्यादा कह लें कि पूरी की पूरी उस साइड पे नहीं करूँगा, सिर्फ आप कह लो 5 से 6 सेक्शन जो है हम उनको लेके करेंगे, और उसको फाइन पिन की हेल्प के साथ नीचे जो हमने टीजिंग की है उस टीजिंग को नीचे अपनी ब्रेड के लिए एक बेस बनाते हुए अपनी ब्रेड को उस टीजिंग के ऊपर हम लोग इनविजिबल पिन की हेल्प के साथ उसको लॉक करवाएंगे और फिक्स करेंगे। सेक्शन जो है आपने बहुत ज़्यादा नीट लेने हैं, नाक बंद हो गया फिर से आपा, और थोड़ा उस चीज़ के लिए माजर, इट्स ओके, आई डोंट माइंड। ओके, अब आपने बारीक बारीक सेक्शन लेना है, और उसी तरीके से भी आप लोग देख सकते हो कि मैं सिंपल एक फ्रंट ब्रेड कर रहा हूँ, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बहुत शोकी वाला या मुश्किल तरीन टेक्निक मैं आपके साथ ना शेयर करता हूँ ना मैं करूँगा। टेक्निकल चीज़ें आपके साथ जरूर मैं डिस्कस करता हूँ, एक्सप्लेन मैं उसको करता हूँ, लेकिन चीज़ों को आसान करके आपके सामने पेश करता हूँ और लुक जो आपके सामने होती है कितनी खूबसूरत लुक आती है। इस तरीके से हमारी जो ब्रेड है वो कम्प्लीट हो गई है। अब हमने जो नीचे बैकअप किया है उसको जो है हमने इसी ब्रेड के नीचे एक बेस बनाते हुए हमने फाइन पिन की हेल्प के साथ अपनी लेयर्स को थोड़ा प्रोमिनेंट करते हुए हमने उसको फिक्स कर देना, ठीक है। और जो ये वाली साइड के आपके बाल बचेंगे उसको आप लोग बारीक बारीक सेक्शन लेके कर्ल्स करते जाओगे, ठीक है, और आप लोग खुद देखोगे कि इसकी एडिटिंग कितनी मज़ेदार लुक आती है। ऑल्दो थंबनेल के अंदर आप लोग फाइनल लुक तो हेयर डू की देख चुके हो, और बहुत मज़ेदार हेयर डू है और ट्रेंडिंग हेयर डू है, स्पेशली मेहंदी ब्राइड के पॉइंट ऑफ व्यू से आजकल बहुत ज़्यादा इन है ये हेयर डू, तो ये इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ ये टेक्निक भी शेयर की जाए, क्योंकि आपका कमेंट भी नीचे आया हुआ था कि आप लोग जो है ट्रेंडिंग हेयर डू के ऊपर वीडियोज़ बनाया करें हमारे साथ शेयर करें, तो मैंने कहा चलो जी इट्स ओके, हम लोग कर देते हैं आपके साथ शेयर। और इस तरीके से अच्छा जो फ्रंट वाला पार्ट है वो आप लोग देख सकते हो कि ये जो हमारी मॉडल थी उसने अपने गांव से थोड़ी खोटा कटिंग कराई हुई थी, तो उसलिए वो थोड़ा जो फ्रंट वाला सेक्शन था वो थोड़ा सा बड़ा कम था, अगर मैं उसके ऊपर प्रॉपर कर्ल करता तो वो जैसे पता नहीं वो कौन सा एक एरिया है वहाँ पर वो जो जज होते हैं जिनके प्रॉपर कर्ल्स हुए थे उनकी वो जजों वाली लुक आ रही थी, इसलिए मैंने उसको जो है प्रॉपर रूट्स तक जो है वो कर्ल नहीं किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ उनके एजेस टर्न किए थे। ऑल्दो मैं थोड़ा सा एडियन दोबारा उसको नीट कर दूंगा जिसको, और जो पीछे ब्रेड के बाद हमारे सेक्शंस निकले थे उसको हम लोग बारीक बारीक सेक्शन लेके कर्ल्स करेंगे, ऊपर से थोड़ी सी स्ट्रेट लुक रखेंगे और नीचे से मिड लेंथ तक जो है हम लोग कर्ल्स को रखेंगे। प्रॉपरली आपने बारीक बारीक सेक्शन लेके कर्ल्स करते जाना, जो क्रिम्पिंग है उसको भी आपने नीट करते जाना, क्योंकि जो क्रिम्पिंग हमने की थी वो हमने वॉल्यूम के लिए की थी और वॉल्यूम वाला जो हम लोग पार्ट है वो काट चुके हैं, जैसे कि बैक होम है हमारी ब्रेड है
उसके बाद हम लोगों ने कर्ल्स करते जाने, और कर्ल्स करने के साथ साथ आप लोग इस चीज़ को देखोगे कि अभी हम लोग इस इन कर्ल्स की जो सेटिंग करेंगे वो आप लोगों ने किस तरीके से करनी है। और ऑल्दो इस हेयरडू के अंदर भी अभी आप देख सकते हो कि जो हमारी मॉडल है उनके बाल जो हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो हम लोग एक्सटेंशन ऐड करके अपने हेयरडू को किस तरीके से लुक देंगे, और ये चीज़ बड़ी मैटर करती है कि आप एक्सटेंशन के अंदर अपने आपने जो कर्ल्स किए होते हैं या आपने जो हेयरडू क्रिएट किया होता है आप उसको किस तरीके से मर्ज करते हो, ये पार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नाक फेर बंद हो गया तो बोल बोल के ना स्यापा पाएंगे ना। खैर आते हैं दोबारा अपने हेडू की तरफ, बारीक बारीक सेक्शन आपने लेने, अभी आप देख सकते हो। और आप यहाँ पे देखो, मैं अपने काम को खुद ही अप्रिशिएट करूँगा क्योंकि मैं खूबसूरत हूँ ना इसलिए। और सॉरी ये मेरा जरा वो एक डायलॉग है मेरा, यहाँ पे स्टूडेंट को सब पता है, आप लोग नहीं हो तो आप लोगों को नहीं पता होगा। अच्छा यहाँ पे मैं अपनी तारीफ इसलिए करना चाह रहा था वो ये कि आप लोग बैकहोम की शेप देख सकते हो कि कितनी मज़ेदार और खूबसूरत आपको शेप मिली है बैकहोम की दुपट्टे के लिए। और ऑल्दो आपको ये भी चीज़ पता होगी कि हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई टीजिंग शीजिंग नहीं की, सिर्फ हमने फाइनल टचअप देने के लिए टीजिंग की थी, और नीचे हमने जो पैडिंग दी थी और वो मेरी खट टेक्निक बैकअप कितनी अच्छी है जिससे आपको परफेक्ट जो है वो आपके क्राउन एरिया पे वॉल्यूम भी मिल जाता है और आपको एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जो है वो नहीं करनी पड़ती टीजिंग वगैरह, ठीक है। सेम जिस तरीके से हम लोगों ने लेफ्ट साइड के ऊपर अपनी ब्रेड की थी, सेम उसी तरीके से हम लोग राइट साइड के ऊपर भी अपनी ब्रेड करेंगे, ठीक है। और ब्रेड करने के बाद जिस तरीके से हमने राइट साइड पे कर्ल्स किए और लेफ्ट साइड पे कर्ल्स किए थे, सेम उसी तरीके से हम राइट साइड पे करेंगे। उसके बाद आएगा मेन लर्निंग पॉइंट जो कि आप लोगों के लिए ज़रूरी है, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि वीडियो को जो है वो आप लोग पूरा वॉच किया करें एंड तक, क्योंकि आपको पता है छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि फिनिशिंग के पॉइंटों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, जो कि हम लोग आपको प्रॉपरली वीडियो में दिखाते हैं। आपको किसी भी स्पेसिफिक जगह पे ऐसा नहीं होता कि आपको पूरे हेडो में ये चीज़ समझ में आ रही हो कि अच्छा ओ माय गॉड ये चीज़ कैसे की ना लगी, तो उन्होंने ये वाला पार्ट हो ये लोग खा ही गए, ठीक है। तो ऐसा मेरी वीडियोस में एटलीस्ट आप लोगों को नहीं मिलता, हम लोग जो काम करते हैं हम लोग ऑनेस्टली उसको प्रॉपरली वीडियोज़ बना के आपके साथ शेयर करते हैं, किसी एक पॉइंट पर भी जाके हम लोग उसको जो है स्किप नहीं करवाते। सेम इस तरीके से हम लोग जो है इसका कर्ल करने के बाद उसको स्प्रे की हेल्प के साथ इसको सेट करेंगे, और नीचे भी जो एक सेक्शन था उसको हम लोग स्प्रे की हेल्प करने के साथ कर्ल और स्ट्रेटन के साथ जो है कर्ल करके उसको सेट करेंगे। अभी आप देख सकते हो अभी हमारा जो हेयर, अच्छा ये जो हमने कर्ल्स किए थे इनको जो है बारीक बारीक पकड़ के अब आपने बैककॉम के साइड्स पे लेयरिंग का एक इफेक्ट देते हुए लाइंस को क्रिएट करते हुए आप लोगों ने उनको फाइन पिन की हेल्प के साथ जो है आपने उसको फिक्स करवाई, जो है स्प्रे करो जहाँ पे आपको लगता है कि ज़रूरत है नीट करने के लिए, आप स्प्रे करके और अलग अलग एक एक सेक्शन पकड़ के उन कर्ल्स को सेट कर दो। उससे क्या होता है कि अगर आपको पता है ब्राइट का जो बटन नेट का हो तो जब यही कर्ल्स पीछे जाते हैं तो आपका ना एक बड़ा पार टाइप में रह जाता है पीछे हेडू का, वो खाली पन नहीं रहता आपके उनमें। नाक फेर बंद हो गया, इट्स ओके। जिस तरीके से हमने राइट लेफ्ट पे किया था सेम उसी तरीके से हम लोग राइट पे करेंगे, ठीक है। जो कल हमने जो बैकहोम की ब्रेड की बेस बनाने के लिए हम लोगों ने जो बैकहोम की थी उसी के जो उसमें जो बालों में से सेक्शन के वो बचे थे कल्स बचे थे उनको हम लोग सेट करवाएंगे। ओके अब आती है बारी एक्सटेंशन की, एक्सटेंशन के लिए भी आप लोग देख सकते हो हम लोगों ने काशी लड़ी एक मिल एक ली है और ये आपको ईजिली मार्केट से मिल भी जाती है। इस तरीके से आपने अपनी बैकहोम वाले एरिया के ऊपर रख कर उसको प्रॉपरली सिक्योर करना है पिन की हेल्प के साथ, जूरा पिन के साथ, ठीक है। और इन्हीं एक्सटेंशन को फ्रंट पर ले जाके आपने आपके जो आपने जो खुद कर्ल्स किए हुए होंगे उन कर्ल्स के साथ जो इसको मर्ज करवाना है, और ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये अलग से दो आपने सांप लटका दिए, ऐसा नहीं आपने करना, ठीक है। आपने अपने ये जो कर्ल्स किए हैं इन कर्ल्स को उस एक्सटेंशन के ऊपर रख कर मर्ज करना है। ये जो एक्सटेंशन होगी वो आपको सिर्फ सपोर्ट करेगी आपके हेडू को क्रिएट करने के लिए, लेकिन आपकी बाकी क्रिएटिविटी जो है अभी आप देख सकते हो कि फ्रंट से जो है हमारी मॉडल की लुक कितनी खूबसूरत आ रही है। और दो जो उनके नेचुरल हेयर थे यानी कि जो अपने बाल थे वो उनकी लेंथ इतनी ज़्यादा नहीं थी, ठीक है। तो सेम उसी तरीके से जैसे हमने लेफ्ट पे किया था उसी तरीके से राइट पे भी हम लोग ऐसे ही करेंगे, बारीक बारीक कर्ल्स पकड़ के नीचे जो हमने एक्सटेंशन पकड़ी है और लगाई है उसके ऊपर हम लोग उसको सेट करेंगे ताकि वो थोड़ा सा आपके अपने बालों का ही हिस्सा लगे और वो सेपरेटली अलग से जो है गंदी लुक ना दे रहा हो, ठीक है। प्रॉपर आपने उसको फिक्स करते जाना, पिंस की हेल्प के साथ आप उसको सिक्योर कर सकते हो, इनविजिबल पिंस भी लगा सकते हो, वो भी लगा सकते हो। कि यहाँ पे मैं जो अपने खानदानी फूल ऐड करने लगा था लेकिन मैंने कहा नहीं बड़ी आ चुकी है मैंने भी अब अपने खानदानी फूल ऐड करने के लिए, और अब हम लोग दुपट्टा देंगे अपनी मॉडल को, और दुपट्टा जो था मैंने थोड़ा सा इंडियन स्टाइल में दिया था। और सेम उस करने के बाद हम लोग जो है अपनी जो बैकअप की क्रिएट की थी दुपट्टा सेटिंग के लिए उसमें हम लोग इसको फिक्स करवाएंगे। और दो जो मेरी मॉडल थी यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी क्योंकि उनकी जॉ ड्रॉपिंग जो थी ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी थी, वो तो लुडियाँ डाल रही थी, बहुत खुश थी। घर अपने भाइयों को माशाल्लाह वीडियो कॉल कर करके दिखा रही थी, माशाल्लाह बहुत खुश थी अपनी लुक को लेके। ऑल्दो ये रियल ब्राइड नहीं है, ये सिर्फ एक डेमोस्ट्रेशन था। ये रही हमारी फाइनल लुक, कैसा लगा आपको कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।